नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक आखिरकार उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम सीएम योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें क्यों बढ़ा रहे हैं? सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए बार बार वो ऐसे कार्य करते हुए क्यों नजर आ रहे हैं जो उनके मान सम्मान को उन्हें ठेस पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं? जिस तरीके से लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हार हो जाती है और समाजवादी पार्टी जीत दर्ज कर लेती है, समाजवादी पार्टी के खाते में 37 सीटें चली जाती हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 33 सीटों पर ही सिमट कर रह जाती है। क्या यही एक बड़ी वजह है जो सीधे तौर पर अब योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ा रहा है? क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य लगातार नेताओं से, विधायकों से, सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं और मुलाकात करते हुए उनकी जो तस्वीरें हैं वो सीधे तौर पर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या केशव प्रसाद मौर्य ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी में उन्हें तवज्जो नहीं दी जाती है, फिर भी उनके साथ तमाम नेता विधायक जो हैं वो जुड़े हुए हैं और उन्हें कमजोर ना आका जाए? वहीं बृजेश पाठक की बात कर ले तो बृजेश पाठक को लेकर भी यही कहा जा रहा है कि बृजेश पाठक जो है वो भी केशव प्रसाद मौर्य की राह पर चलते नजर आ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बृजेश पाठक भी जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य कैबिनेट की बैठक में शामिल नहीं हुए, बृजेश पाठक भी नहीं हुए थे। वहीं यहां पर समीक्षा बैठक जब की गई थी सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा लखनऊ और प्रयागराज में, तो वहां पर भी दोनों डिप्टी सीएम नहीं पहुंचे थे। तो ये बड़ी वजह है जो साफ तौर पर यह जताने का प्रयास कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी की अगर मुश्किलें बढ़ रही हैं तो उनके ही नेता बढ़ा रहे हैं। केवल उनके नेता ही नहीं, उनके साथ जो जुड़े हुए दल हैं, सहयोगी दल, वो भी बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अनुप्रिया पटेल भी लगातार आरक्षण के मुद्दे को लेकर अपनी ही सरकार को घेरती हुई नजर आ रही हैं। वहीं जयंत चौधरी की बात की जाए, संजय निषाद की बात की जाए, तो संजय निषाद ने तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाते हुए ही अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह से दो उम्मीदवारों को उतार दिया है, वो भी जो उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, उनमें से दो सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवारों को उतारने का ऐलान कर दिया है अपने चुनाव चिन्ह से। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं और भारतीय जनता पार्टी आखिरकार अब क्या निर्णय लेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी इन उपचुनावों में अपने सहयोगी दलों को सीटें देगी भी या नहीं, और अगर देती भी है तो कितनी देती है और किस किस को देती है? आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़।